नामांकन खारिज हो जाए। 34 नंबर से मैंने नामांकन भरा था और उन्होंने बहुत कमियां ढूंढने की कोशिश की। कोई सोलर का कोई काम था अपना नासना के अंदर किया था, जिसमें मनीषी का भी काम मेरे साथ में था और हमारा सबका काम था और कंपनी ने हमारे पैसे रोक लिए थे। आप जो ठेकेदार थे और उनके करीब 25-30 करोड़ रुपए थे, जिसमें कर्नल साहब के भी थे, तन सिंह सोहान के भी थे और एक गुजरात का ठेकेदार था तो रणवीर सिंह धनियाना के पैसे थे। तमाम सब ठेकेदारों के थे तो हमने एक कोशिश की थी कंपनी लाइन को कंपनी करके पैसे खा ली थी। तो उस मैटर में कोई मुझे भी याद नहीं था, कंपनी वालों ने कोई कंप्लेन भी होगी कि ये हमको परेशान कर रहे हैं, ना तो कोई पुलिस ने हमारे को अरेस्ट किया, ना कोई चालान पेश हुआ, ना कभी कोर्ट गए। तो एक कोई शिकायत कंप्लेन दर्ज थी उसका हवाला देके उसका निष्पादन भी हो गया था, पुलिस ने एफआईआर भी दे दी थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे हकीकत में पता नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर थी, और थी तो मैं क्यों सुनाऊं। एफआईआर वाले, मर्डर वाले, जेल वाले, 302 वाले सारे लड़ते हैं सुनाओ, तो उसमें सुनाओ लेने की कोई ऐसी मुझे जानकारी होती तो मैं दे देता। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी, एक तो दूसरा आरोप लगाया कि इनके तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन इनको इतना पता नहीं था कि कानून ने उनको छूट दे रखी कि पहला बच्चा अगर दिव्यांग होता है तो प्रॉब्लम होती है तो दो तीन संतान हो सकती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब को पटा के रेख लिखवा के चील वील लिखा के डॉक्टर साहब भी ऐसा मिला उनको, उन्होंने अपना जमीर बेच के सर्टिफिकेट लिख दिया कि हाँ ये इसका श्रेणी में नहीं आता, और कलेक्टर साहब पे पूरा जोर लगाया कि ये फार्म देखो रखना ही है, किसी भी सूरत में इसको खारिज नहीं होने देना है। खारिज इसके लिए हमने भी प्रयास किया और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इनका फार्म खारिज हो जाए। तो इस चक्कर में वो पूरे दिन हमारा व्यस्त हो गया, इसके लिए मैं लेट हो गया, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। बाकी कांग्रेस बीजेपी अब आपस की लड़ाई है, उम्मीदवार आपके गांव में पार्टियों ने बड़ी पार्टी है, लेकिन उन्होंने ये योग्यता नहीं समझी कि शायद इस मंडल के लायक कोई केवसिला में आदमी है नहीं, इसलिए शायद निर्णय लिया होगा। बाकी तो मैं क्या बताऊं, कोई बोलता है कि हम अभी के प्रधान के यहाँ से बना के प्रधान बना देंगे, तो प्रधान कोई जन्मजात अवतार तो लेता नहीं है, हम लोगों के बीच में ही जनता तय करती है, जनता जिसको बड़ा करती है वही बड़ा होता है। लेकिन कैसे मिला के 4000 लोगों में से किसी एक को मंडल के लायक या प्रधान के लायक नहीं समझा तो ये तो बड़ी पार्टी की एक मनमानी टाइप होगी। तो Let's go!
स्टोरी थी तो दो मिनट अपनी सुनी। तो आप बात को आगे बढ़ाते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई टाइम नहीं है क्योंकि आप भी बैठे थे, सब पता आप किस काम से आए हुए हैं, वो काम की बात करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये समझौते की बात चल रही थी, हमने तो सुना से पहले फार्म भरने से पहले बातें चल रही थी कि पहले विधानसभा में अपने लोकसभा में कर लिया, विधानसभा में अलग अलग लड़े और दोनों को पता चल गया कि दोनों को नुकसान हुआ, तो अब लोकसभा में मिल के लड़े तो फायदा हो गया, और अभी मिल के लड़े कोई फायदा होगा, मिल के नहीं लड़ेगे तो 2018 में जैसी स्थिति हुई वैसी होगी। तो इसलिए ये बात तो अलग हुई, लेकिन यहाँ पे गांव की बात है, मेरे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप ऐसा नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर इधर मूल जी वगैरह सबने कहा, तो आप लोगों को विचार कर लो, आपके गाँव का मामला है। और मेरे पास में जो आए थे जेठाराम जी और जेतान सिंह जी, तो उनको भी मैंने जबान दी थी, तो मैं आपकी बात रखूंगा, लेकिन क्वेश्चन कटे मानना पड़ी, तो एक जो हूँ मान रहा हूँ, पर एक आधी सर तुम्हारी माननी पड़ी, तो मैं बात की थी, मैं सब कहीं को नहीं, थानू फार्म उठाना पड़ी, तो मैं तार गाँव में हालू बात रख लू, मेरी बात हो रही हो पस ठेके जो कर लो भाई, हाथों मिला लो, रोटी के बदले रोटी तो वही है, तो थे माने इन बदले एक सोर दे, अपने था ने सोर दे, वहां मैं बाधो कियो ना, मैं आ बात मारे तय हुई के भाई हो मुड़ा पहला नगरी सरपंच और रमेश जी वगैरह भाई कहो के मारे तो रमेश जी कहो के मारे बीजेपी को एक दबदबो है, माने बंगना राम यहां व्यक्ति से माहौल तो के माने आ सीट छोड़ दो, तो मैं छोड़ दो, ये तो हमें मोह जी कही कि मारे रहते हो मैं छोड़ दो, बोने क्यों लाला कही मारे हारू छोड़ दो, हिडो नाला महेंद्र जी कही हूं तो थारे बड़ो बड़ो की भाई छोड़ दो, तो छोड़ दो तो पास मतलब कोई सुना बड़ो ही कितो यो तो हे को नहीं, पर एक पग थे भरो तो एक आगे नहीं भर लो, तो आ बात हुई है हमें हो मुड़ाज और क्यों मेरे को मामलो है, तो क्यों वो छोड़ा हो, तो हो मुड़ाज और नहीं छोड़नी है तुम्हारे डिंग बदले दूसरी छोड़ दो, हिरेदानी छोड़ दो, होर छोड़ दो, तार डंग में लाके जो छोड़ दो थाने खा दो, क्यों हो तो व्यापारी आदमी हो, नफा नुकसान तो मन दी है, दूसरी है आगे ते भी साला जीती मोदी ने वगैरह उन्होंने मोटू का नेताओं ने नावे जीती आवे बोल मोदी भी मत करिए, वो तो सीधी कारण आवे थार मुझे बात करने वाला क्या माने, तो टेढ़ी मेढ़ी बात बिल्कुल आवे को नहीं, सीधी सट बात हो जगी समझ में आई, पर भगवान मेरा किस्मत मेरे हाथ है, भगवान मैंने ई लाइक तो जरूर बनायो कि तू धंधो वगैरह की थी करी, तो नफो नुकसान को तन था पड़ी, नफो नुकसान को मन था पड़े तो मेरो फायदो हुई, तो मैं देखो नहीं तो पार्टियों तो बातों करी गई, तू लड़ो तो कांग्रेस को फायदा हो जी, इन बिज लड़ो तो बीजेपी को फायदा हो जी, इन बिज लड़ो तो यहाँ हो जी, तो मन तो नहीं तो कांग्रेस को फायदा देख लो, मन नहीं बीजेपी को फायदा देख लो, मन तो मेरा फायदा देख लो, जगह आयो मन के फायदा मेरे फायदे वास्ते बीजेपी का जाना मन जाते हैं क्या तकलीफ, और बीजेपी के हमेशा विचारधारा रही है, पहला को गठबंधन होड़ो जना आ बात हम बानी, अब लंबी छोड़ी बात में है कहीं कौन, एक थे छोड़ दे एक नहीं छोड़ दे, तो हमने दो ही छोड़नी है तो दो ही छोड़ दे, पर एक तो अपन बात कभी है क्यों लेगी, तो क्यों लेगी एक भी बात हो, मारे जबान इन्होंने हो मोड़ा जलो ने बह भी शायद रमेश जी नावे आए तय रहेला, और आ बात है मारी तो हमें थारे गाँव वालों ने ज्यो उचित लागे ज्या करियो, तो कह जी मैं आया जना बात राखी जगी तारी बात माते बिन बिन कायम है। धन्यवाद प्रदेश महामंत्री हमारे बीच में श्री अमिताभ जो बात रखी वह जनता के सामने सुनाई, अभी सिद्धांत मतलब होने का हो तो मान लिया।